जी अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने मैं लाइव 2 पेजेस का वॉच टाइम कंप्लीट करने वाला हूँ क्रिकेट के जरिए। प्रैक्टिकली करके सब कुछ दिखाऊंगा, कोई बातें नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको थ्योरी नहीं दूंगा, प्रैक्टिकली एक एक चीज आपके सामने करके दिखाऊंगा। किस तरह व्यूअरशिप लाते हैं, किस तरह वीडियो को रिकमेंडेशन में भेजते हैं, ये सारी चीजें आज मैं बताने लगा हूँ। ये कॉपीराइट की वजह से मैं वीडियो पे हाथ रख रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह आप लोग वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं 2 घंटे के अंदर 2 पेजेस का। मैच को लाइव किए मुझे जो है ना 2 मिनट हुए हैं। मैं आपको पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगा कि ये मैच लाइव करते किस तरह, सिर्फ बातें नहीं करूंगा लोगों की तरह, मैं आपको प्रॉपर जो है ना लाइव करके दिखाऊंगा, ठीक है, कि किस तरह आपने स्ट्राइक वगैरह से बच के लाइव करना है मैच, और मैच लाइव करने के बाद आपने व्यूअरशिप किस तरह हासिल करनी है। उसके अलावा आप लोगों ने एक और चीज़ होती है, क्या कहते हैं उसे, बगैर स्ट्राइक के जो है ना आपने मैच को इस तरह, ये देखें 2 घंटे 14 मिनट हो चुके हैं मेरे इस मैच को। व्यूअरशिप इसके ऊपर इतनी ज़्यादा नहीं आई, पीक व्यूअरशिप जो है ना मुझे इसके ऊपर आई है 1400 1450 की, ठीक है। और इसके ऊपर इस पेज को मैंने तकरीबन, ये देखें आप, 2 घंटे के अंदर इसके ऊपर मैंने इसका क्राइटेरिया ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। 50,000 के नज़दीक आ चुका है ये मेरा क्राइटेरिया, और टोटल क्राइटेरिया आपको पता आजकल 60,000 है। तो ये देखें, ये मेरी लाइव ब्लॉक हो गई आपके सामने, ठीक है। तो अब यहाँ से सारी गेम स्टार्ट होती है कि आप लोगों ने इसको किस तरह स्ट्राइक से बचना है। अच्छा, सबसे पहले आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ठीक है, जैसे ही आपको ये लाइव इस तरह आपकी ब्लॉक हो ना, आपने क्या करना है, अच्छा ये सबसे पहले आपने पुराना कोई मैच उठाना है, ठीक है, पुराना कोई मैच आपने उठाना है, उसको आपने लाइव कर लेना है, ठीक है। ये अब मैंने 2 साल पुराना मैच लाइव किया हुआ था जिसके ऊपर अभी मुझे स्ट्राइक आई है। तो ये मेरे देखे ना, मेरी स्ट्रीम नहीं हो रही, वो कह रहे हैं कि यार इस तरह इशू है आपका, क्या ये वाकई में है, आप बताएं हमें। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने पेज के अंदर आएंगे, यहाँ से हम लोग पब्लिश के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद हम लोग यहाँ लाइव वीडियो वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर चले जाएँगे, तो यहाँ पर एक चीज़ हमें नज़र आएगी जो कि होगा एक रेड निशान, ठीक है, ये देखें आप, ये रेड लाइव ना हो रेड अलर्ट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये अब करना ज़रा जल्दी जल्दी होता है, इसलिए मैं भी ज़रा जल्दी जल्दी हाथ लगा रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को रिपीट पर देख सकते हैं कि ये हो क्या रहा है। यहाँ पे आपने सी डिटेल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने इनको बताना है कि भाई जान, ठीक है, हम समझ सकते हैं कि हमने जो है ना कॉपीराइट मटेरियल यूज़ किया है, लेकिन हमने इससे कोई अर्निंग वर्निंग नहीं करनी, हम बस एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, तो बराए करम हमें हमारी स्ट्राइक हटा दें। ये देखिए सबमिट डिस्प्यूट के ऊपर आप क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे, तो हमने इनको ये बताना है कि भाई जान हमारी लाइव वापस कर दें आप, हम आपसे पैसे नहीं कमा रहे। ये देखिए अदर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोगों ने अब लिखना है दिस लाइव इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। अब ये एक तो जो है ना मोबाइल भी मैंने पकड़ा हुआ है, आई एम नॉट अर्निंग फ्रॉम दिस। ओके सर जी, ये मैंने फिलहाल गुजारे लेख लिखा है, आप लोग भी देख सकते हैं ये मैंने क्या लिखा है। यार ओबीएस से मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ओबीएस मेरा ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, तो मैं ओबीएस को नहीं छेड़ना चाह रहा, तो इसलिए मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ। तो ये देखें डिस्प्यूट हो गया, अब जैसे ही आपका डिस्प्यूट हो गया आपने लाइव पर आना है, यहाँ पर आके आपने रिज्यूम कर लेना है, ठीक है। अब आपने छोड़ देना है इसको, अब आपने इसको छोड़ देना है। थोड़ी देर के बाद आपके व्यूवर्स दोबारा आना स्टार्ट हो जाएंगे, अगर आपके व्यूवर्स आना स्टार्ट नहीं हो रहे फिर आपने इसको थोड़ी शेयरिंग देनी। ये देखें मैंने कोई शेयरिंग भी नहीं दी, मेरे व्यूवर्स आना स्टार्ट हो भी गए, ठीक है, ये मैंने आपके सामने सब कुछ किया। ये देखें मेरे 8 बंदे, ये देखें 10 हो गए, अब इस तरह ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो इसके ऊपर भी हम लोग आते हैं, ये देखें बढ़ रहे हैं, ये देखें 20 हो गए। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने स्ट्राइक हटाई है 1 सेकंड में। अब ज़रा इसके ऊपर आ जाते हैं हमारे ये PC वाले के ऊपर, ये आप इतने तक इसके ये व्यूवर्स बढ़ते हो, यार वो मुझे स्ट्राइक ना पड़ जाए यूट्यूब की तरफ से। मैं ये नीचे रखता हूँ मोबाइल थोड़ा सा करके, ये वीडियो के चक्कर में मुझे स्ट्राइक पड़ गई ना। अच्छा इस टाइम पे मैं दो तीन चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ, तो थोड़ा आपको मेरी आवाज़ इधर उधर महसूस हो तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है कंप्लीट। तो ये चीज़ आपको आज तक किसी ने करके नहीं दिखाया होगा लाइव मैच के दौरान, अभी मैच चला नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये चल क्या रहा है। मैच है 7 बजे आज, ठीक है, PSL का मैच। अगर मैं आपको यहाँ पर सर्च करके दिखाऊँ PSL शेड्यूल, तो ये देखें ये मैच है आज 7 बजे, बल्कि अभी स्टार्ट होने भी वाला है, बल्कि हो गया शायद। तो अब हमने क्या करना है, अब ये देखिए मेरे यहाँ पे मैच चला हुआ था, ये मेरा पुराना मैच चला हुआ था, ठीक है। अब आप लोगों ने कहीं से भी मैच नहीं उठाना, आप लोगों ने यहीं पे PSL लाइव सर्च करना है, ठीक है। यहाँ से आपने किसी भी एक बंदे को पकड़ लेना, जैसे अब ये बंदा सबसे पहले में चल रहा है तो मैं इसको पकड़ लूँगा बस, ठीक है। अब मैच वैच में नहीं दिखा सकता भाई जान, आपको पता है कि बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है ये,
स्ट्राइक वट्राइक पड़ गई ना तो फिर आपको पता है कि आपका भाई का पट्टा बैठ जाना है। अच्छा अब मैं यहाँ पे आऊँगा, ठीक है, ब्राउज़र के अंदर जहाँ पे मैंने पुराना लगाया हुआ था, ठीक है, यहाँ से मैं मेरा स्टूडियो मोड ऑन करके ताकि आवाम को थोड़ी टेंशन ना हो, मैं यहाँ पे एक और ब्राउज़र ऐड कर लूँगा, ठीक है। ये ज़रा यार मुझे बहुत ना टेंशन हो रही है, ये देखिए ब्राउज़र पे आ जाएंगे, यहाँ पे आके हम लोग सोर्स में जाके उस बंदे का लिंक पेस्ट कर देंगे जिसने लगाया हुआ है मैच, ठीक है। यहाँ पे 1280x720 कर लेंगे ताकि अभी ओरिजिनल मैच हम प्ले कर लें, थोड़े फॉलोवर भी हमें मिल जाएंगे। यहाँ से हम 25 कर लेंगे इसको फ्रेम रेट, तो ये सेटिंग आप देख लें, अगर आपको समझ नहीं भी आती तो ये मैं आपको एक लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, बाद में मैं आपको ये जो है ना प्रैक्टिकली से हट के भी करके दिखा दूंगा, कोई मसला नहीं, आपको प्रॉपर समझ। अब यहाँ पे ये देखें इंटरेक्टिव पर क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं इसकी आवाज़ ओपन करके इसको पहले फुल कर लूँगा, यहाँ से इसकी आवाज़ ओपन कर लूँगा, और यहाँ से जो है ना मैं इसको स्पोर्ट मोड से जैसे ही हटाऊँगा तो ये देखें हमारा न्यू मैच लाइव हो चुका है। अब ये नीचे से एक ब्राउज़र जो हमारा पुराने मैच वाला था उसको बंद कर देंगे, ठीक है। ये सॉरी इसको मुझे ऑन रखना था, इसको मुझे बंद रखना था, ये देखें ठीक हो गया सर। तो ये मेरी अब नए मैच की आवाज़ आ गई है और नया मैच भी मेरा लाइव हो चुका है, अभी मैंने मैच दिखाया हुआ था, शिट यार। और यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊँ तो व्यूअरशिप मेरी ग्रेजुएटली बढ़ रही है, तो अभी यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ से मैंने मैच को लाइव कर लिया, ठीक है, मेरा मैच लाइव हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ लाइव इसके ऊपर तो यहाँ पे मेरा मैच भी अभी लाइव हो जाएगा थोड़ी देर में। तो अब हमने जो है ना मैच को यहाँ पर भी लाइव कर लेना है ओरिजिनल मैच को, क्योंकि स्ट्राइक तो वो थी जो हमें पड़ चुकी है और हमने उसको रिमूव कर लिया, ठीक है। तो अब आवाम भाग ना जाए हमारे मैच को छोड़कर, तो उसके लिए हमें अब जल्दी जल्दी से क्या करना होगा, हमें जल्दी जल्दी से इसके ऊपर भी मैच आज का लाइव कर देना होगा, ठीक हो गया। ओके तो हमने जो है ना लिंक वगैरह लगा लिया है, तो अब ये देखें ये एरर आ रहा है, ठीक है, वो कह रहा है कि आप इसको करें पहले जो है ना, तो ये समटाइम आ जाएगा, तो इसमें आपने घबराना नहीं, यहाँ पे बस आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे, मैं ज़रा जल्दी से अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। अब ये देखें मैंने जैसे ही इसके अंदर अकाउंट लॉगिन किया है OBS के अंदर, ठीक है, ये देखें मेरा आ गया है। अब मैं इसको इधर दिखा नहीं सकता, यूट्यूब जो है ना पता है आपको कि क्या करता है। यहाँ से हम इसको जो है ना इसकी वॉल्यूम वगैरह खोल के इसको सेट कर लेंगे, सेट करने के बाद हम अब यहाँ से इसको स्टूडियो मोड से ख़त्म करके ये वाला ब्राउज़र हम बंद कर देंगे, इसकी आँख भी बंद कर देंगे, ठीक हो गया। अब ये हमारा ब्राउज़र इस टाइम पे ज़बरदस्त तरीके से लाइव हो चुका है, इसकी क्वालिटी भी अगर हम यहाँ से बढ़ा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैंने फेसबुक से उठा के इसलिए लगाई है कि फेसबुक से अगर आप उठा के लगाओगे ना तो आपको स्ट्राइक आने का ख़र्चा बहुत ही कम होगा, और अगर आप उठा के नहीं लगाओगे तो फिर आपको स्ट्राइक आने का खर्चा ज़्यादा होगा। अब ये मैंने आपके सामने लाइव किया सब कुछ, ठीक है, और ये मैंने पहले से लाइव की थी, अब इस को तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं, यही सेम प्रोसीजर जो मैंने आपको दिखाया है, यही सेम प्रोसीजर आपने फॉलो करना है, किसी की बातों में नहीं आना, सब बकवास करते हैं, सब जो है ना ऊपर नीचे बातें घुमाते हैं, ये कर दें वो कर दें, कोई सीटी मीटी ब्लॉक नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना यार, सीटियाँ ब्लॉक कर दोगे तो आपको व्यूज़ कहाँ से आएंगे, ये बात एक ज़रा समझने वाली बात है कि नहीं। जब आपने लाहौर ही ब्लॉक कर दिया, कराची ब्लॉक कर दिया, करच ब्लॉक कर दिया, भाई जान व्यूवर्स तो सारे आती यहीं यहाँ से हैं, व्यूवर्स कहाँ से आएंगे। स्ट्राइक वो थी जो हमने आपको मसला हल करके बता दिया कि इस तरह आपने स्ट्राइक का मसला हल करना है, अब आपको सिटियाँ विटियाँ ब्लॉक करके क्या ही करना है, ठीक है। अब आपको ये भी टेंशन नहीं लेना कि हमें 25,000 30,000 जो है ना व्यूवर आए तभी जो है हमारे वॉच टाइम कंप्लीट हो गए, यार मेरी बात सुनो, आपको 700 800 व्यूवर्स भी अगर आ जाते हैं, ये मैंने माउस ज़रा इधर लगाया हुआ है, मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ, अगर आपको 700 800 व्यूवर्स भी आ जाते हैं तो 700 800 व्यूवर्स आपके इतने काफ़ी होते हैं। मैं ज़रा इधर मैच की आवाज़ बंद कर दूँ, मुझे स्ट्राइक पड़ जाएगी यार, एक तो ये सिस्टम भी होता है। ये देखें आपके सामने ये 50,700, अभी ये अपडेट नहीं हुआ, ये तकरीबन हो गया होगा, इसका पूरा जो है ना क्राइटेरिया मुकम्मल हो चुका होगा, ये अभी अपडेट नहीं हुआ, तो अभी हमने जो है ना मैच इधर भी लाइव चला लिया आपके सामने, ठीक है। इसके ऊपर व्यूअरशिप आपको दिखा देता हूँ कि कितनी है इस टाइम पर, इसके ऊपर 133 बंदा बगैर शेयरिंग के, 0 शेयर, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी शेयरिंग की गेम भी बता देता हूँ, और यहाँ पे तकरीबन मेरा 808 बंदा, और यहाँ नीचे पता नहीं 784 क्यों बता रहा है, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, ये देखो अब ये भी बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो ये इस तरह से जो है ना आपको व्यूअरशिप खुद ब खुद भी आना स्टार्ट हो जाएगी, अगर ना आए तो फिर आपने क्या करना है, अब आगे की मैं आपको थोड़ी सी प्रोसीजर बताता हूँ। ये देखें ये है मेरा एंड्रॉयड मोबाइल, ठीक है। अब इस एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इस एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर लगाया हुआ है जनाबे वाला, ये देखें शेयरिंग सेटअप 9 ID होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हर ID में मैंने कुछ 3 4, किसी में 5 6, किसी में कितने ग्रुप्स डाले हुए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मैं मिसाल के तौर पे ये मेरा पेज है, चलो यार मैंने बता दिया आपको, ये लाइव चल रहा है अभी जिस पे,
अभी इसके ऊपर अगर मैं आऊँ तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी शेयरिंग दी हुई है, अगर मैं सिर्फ आपको ग्रुप दिखा रहा हूँ, ये देखें आप, ये ड्रामे वाले कुछ ग्रुप में मैं ग्रुप शुरू भी चलो आपको दिखा दी, आप चिल करें यार, उठा लें ये ग्रुप, जाएँ इन ग्रुप में जाके आप शेयरिंग दें PSL, ये सारे फ्री ग्रुप हैं ठीक है। इस तरह आपने 9 आईडियों का सेटअप अपने मोबाइल में लगा लें, कंप्यूटर में लगा लें, किसी चीज़ में भी लगा लें, और हर आईडी से 3 से 4 शेयर लगा दें और आपकी लाइव उठ जाएगी। ये देखें अभी मैंने 0 शेयर है, अभी मैं इसके ऊपर शेयरिंग लगा के फिर आपसे मुलाकात करता हूँ। ओके बॉस, तो शेयरिंग वगैरह मैंने इसके ऊपर दे ली और इसकी डेली मैंने तकरीबन 32 शेयर दिए हैं, और 32 शेयरों के बाद इसके ऊपर वाचिंग तकरीबन ये 209 यहाँ पे दिखा रहा है और 213 यहाँ पे दिखा रहा है। अब कौन सी ठीक है ये आप लोग खुद डिसाइड कर लेना। और अभी इस मैच को चलते हुए 33 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ठीक है, आपके सामने ही सारा प्रोसीजर मैंने किया था, स्ट्राइक वगैरह रिमूव की थी, मैच चल रहा है आपके सामने ही चल रहा है। अब इसकी अगर इनसाइड हम लोग चेक करें तो करंट व्यूअर जो है ना हमारे पास इस टाइम पे 187 हो गए हैं, और पीक व्यूअर मेरे इसके ऊपर 342 तक गए थे शेयरिंग के दौरान ही। अब देख लेते हैं कि हमारी ज़्यादातर जो है ना ऑडियंस कहाँ से आ रही है, रिकमेंडेशन से आ रही है, हाँ जी रिकमेंडेशन से, शेयरिंग वेयरिंग से अभी तक हमारा एक बंदा भी नहीं आया। ये देखें फॉलोअर और रिकमेंडेशन, अभी तक शेयरिंग ने हमें एक बंदे का फ़ायदा नहीं दिया, सब कुछ रिकमेंडेशन से चल रहा है, और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 1800 तकरीबन 1900 मिनट का वॉच टाइम कम्प्लीट कर भी लिया ठीक है 33 मिनट के अंदर। अब आप खुद अंदाज़ा करें कि ये मैच अगर मेरा चल गया तो ये भी वॉच टाइम कम्प्लीट हो जाएगा, और यहाँ पर मेरी इस टाइम पर वॉचिंग 335 चल रही है, और यहाँ पे बढ़ गई है बल्कि 300 कितनी हो गई, 741 हो गई है। और अगर यहाँ पे हम लोग इसका चेक करें वॉच टाइम, तो इसका वॉच टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ये देखें 58 हो गया है, तो 60,000 मिनट वॉच टाइम चाहिए होता है। तो आप देखें मैंने आपके सामने लाइव कितने तकरीबन 2 घंटे से मैच चल रहा है, पहले मैंने पुराना मैच चलाया हुआ था, फिर अभी मैंने जो है ना लाइव मैच चलाया, लाइव अभी नए मैच को चले हुए मुझे सिर्फ आधा घंटा हुआ, आपको पता 7 बजे मैच था, 23 मिनट हुआ मुझे ठीक है, तो कोई इशू नहीं हुआ, यहाँ भी मैच चल रहा है, वहाँ भी चल रहा है। तो उम्मीद है कि आज ये 2 पेज निकल आएंगे, अगर ये पेज मेरे निकल आते हैं तो मैं आपको लाइव अपडेट इसी वीडियो के अंदर दे दूंगा एंड में। मैंने आपके सामने अपना पूरा जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको दिखाया, और आपके सामने मैंने एक पेज का क्राइटेरिया मुकम्मल कर लिया, और दूसरे पेज का क्राइटेरिया आपके सामने मैंने मुकम्मल होने के लिए लगा दिया। इसकी क्राइटेरिया की जो भी सिचुएशन होगी वो मैं आपको एंड में दिखा दूंगा, और इसका क्राइटेरिया आपको मैंने दिखा दिया ऑलरेडी कि ये मुकम्मल हो भी चुका है। तो यार एक छोटी सी चीज़ है, CDVD ब्लॉक मत करो, फेसबुक से किसी के लाइव उठाओ वही चलाओ, खुद जाके Cricket HD फलां HD ये इन वेबसाइट से आप लोग उठा के ना लगाओ, ये वेबसाइट आपको डेफिनेटली आपको ये स्ट्राइक मारती ही मारती हैं, तो आप लोगों ने क्यों स्ट्राइक खानी है। मैं भी यही काम करता था, वहाँ से उठा लिया, यहाँ से उठा लिया, लगा के मैं जो है ना अपने आप को मैंने मुश्किल में डाला है। अब तरीकाकार समझाने लगा हूँ आपको, प्रैक्टिकली दिखा दिया, अब मैं आपको ज़रा समझाने लगा हूँ मुँह से, तो आपने ज़रा अपने दिमाग को खोल के, ये थोड़ी हो सकती है वीडियो मेरी लंबी हो, लेकिन मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस बताने लगा हूँ कि इस तरह से अगर आप काम करोगे तो आपकी जो वीडियोज़ हैं वो वायरल जल्दी होंगी, आपका वॉच टाइम एक ही मैच के अंदर कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है। अब देखें सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर मैच है 7 बजे तो आपने तकरीबन 1 घंटा पहले, फर्ज किया आज मैच है कराची किंग वर्सेस क्वेटा ग्लेडिएटर, तो आपने क्या करना है आज से 1 साल पहले 2 साल पहले जब भी कराची किंग और क्वेटा ग्लेडिएटर का मैच होया होगा वो आपने यूट्यूब से लिंक उठाना है पूरे मैच का और आके यहाँ पे लाइव लगा देना है। कोई सिटी ब्लॉग नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, एक लंबा सा टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपने तैयार करना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से तैयार होने के बाद लगेगा, और वो तैयार किस तरह करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यही सबसे मेन चीज़ है रिकमेंडेशन में लेके, ये 700-800 व्यूअर भी वरना नहीं आएंगे ठीक है। ये देखिए आप कराची किंग वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड पाकिस्तान सुपर लीग लाइव मैच टुडे PSL लाइव मैच, यार रिकमेंडेशन पे खेलना है, रिकमेंडेशन पे आप तभी खेल पाओगे जब आपको पता होगा कि रिकमेंडेशन में आपको कौन सी चीज़ लेके जाती है, तो रिकमेंडेशन में आपको हमेशा टाइटल और डिस्क्रिप्शन लेके जाती है, तो वो आपने तैयार किस तरह करनी है अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये मैंने खोल लिया फेसबुक, तो अगर आप ज़रा गौर से देखें यहाँ पे PSL, ये देखें 8/2023 ये पॉपुलर इस टाइम पे चल रहा है कीवर्ड, ये भी पॉपुलर चल रहा है, तो आप लोगों ने इस तरह की सर्चिंग लगा के ना इस तरह की कीवर्ड जिसके ऊपर पॉपुलर नाउ लिखा हुआ आ रहा हो ना ये आपने फाइंड कर लेना है। अब ये देखें ये वाला जो कीवर्ड है इसके ऊपर 41,000 बंदा इसके बारे में सर्च कर रहा है, और दूसरे वाले को अगर हम देखें तो ये देखें 2 लाख बंदा इसके बारे में सर्च कर रहा है। अब मुझे खुद बताएं कि जब आप इस तरह से बहुत सारे टाइटल निकालेंगे ठीक है, और आपने
इस तरह कोई 50-60 टाइटल निकाल के उसको जब आप लोग एक टाइटल बनाएंगे, उसका एक डिस्क्रिप्शन बनाएंगे, तो वो आपको डेफिनेटली रिकमेंडेशन में लेके जाएगा ही जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि लोग उस उन कीवर्ड्स को सर्च कर रहे होंगे, तो आपके जब वीडियो के अंदर वो कीवर्ड्स होंगे तो वो डेफिनेटली रैंक करेगी। तो ये ऐसी टिप्स मैंने आज आपको बताई हैं जो मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, आप उठा के चाहे किसी की भी जाके देख लें क्रिकेट की क्लास, आपको किसी ने भी इसी तरह से प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाया होगा, अगर इस तरह से प्रैक्टिकली अपना एक्सपीरियंस नहीं दिखाया होगा, आई एम श्योर अबाउट इट, क्योंकि मुझे भी इस तरह से कोई बंदा नहीं मिला जो इस तरह इतना डिटेल से समझा रहा हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास पसंद आएगी, अजान भी मिलने लग गई है, जो भी इसका रिजल्ट होगा मैं आपको एंड में दिखा दूंगा। ओके भाई, तो ये है अपडेट पेज की दूसरे की, कि ये आज के दिन में ही 18 तारीख के अंदर, ये अभी अपडेट नहीं हुआ, कुछ थोड़ा सा अभी अपडेट नहीं हुआ यहाँ पे, पता नहीं कोई एरर आ रहा है, वहाँ पे कंप्लीट हो चुका था, यहाँ पे जो है ना ये 50 दिखा रहा है। और अगर एरर मैं आपको बताऊँ मैं क्यों कह रहा हूँ, तो ये देखें ना, अगर मैं यहाँ से 1 से लेकर 17 तक सेलेक्ट करता हूँ, जो कि एम ही मैं सिर्फ एक एरर दिखाने के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये दिखा रहा है 5.4 के, ठीक है। अब अगर यहीं मैं 1 से लेकर 18 तक सेलेक्ट करता हूँ तो ये 5.6 के, वो जो आज का 50 के वो यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा, तो वो इसी तरह से ना यहाँ पे भी मुकम्मल नहीं शो कर रहा जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं आपको अगर एक अंदाज़ा लगवा लूँ, तो ये अगर आप देखें तो ये हो गया जनाब 5.4 के, यानी कि ये 5,000 कर लें और बाकी ये जो 50 ये है ये हो गया तकरीबन 54, और ये 54 से ज़्यादा है मेरे हिसाब में, यहाँ पे ग्लिच हो रहा है। लेकिन देखा जाए तो इस पेज का भी वॉच टाइम टोटल मैंने आपके सामने कंप्लीट कर लिया है। तो इसी तरह सब्सक्राइब कर दें चैनल को, आगे बहुत ही कमाल कमाल का कंटेंट आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।